वेलकम प्यारे दोस्तों, मैं रवि तिवारी, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से आज से हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, रीजनिंग मैजिक ट्रिक्स। एक मिनट में आप एक इतनी जबरदस्त रीजनिंग की ट्रिक्स सीखेंगे कि जो कि सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के लिए एकदम मारक सिद्ध होगी। और आज से हम लोग ऐसी ट्रिक्स की वीडियो बनाते रहेंगे। आइए आज की ट्रिक पर बात करते हैं। बस एक मिनट में मैं आपको सिखाता हूं। समान वर्ष वाले वर्ष कैलेंडर का एक प्रमुख पोर्शन समान वर्ष वाले वर्ष, जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। देखिए बहुत आसानी से हमें क्या करना है, ईयर्स की संख्या में चार का भाग देना है। ईयर्स की संख्या हम किसको मानते हैं, बाद के दो अंकों को। जब हम चार का भाग देते हैं तो हमें देखना है शेषफल। अब शेषफल देखिए, या तो एक दो तीन जीरो आएगा। जब जब शेषफल एक आता है तो हम क्या करते हैं बताइए, छह वर्ष बाद का अंतर लेते हैं। जब दो आता है तो ग्यारह वर्ष, तीन आता है तो भी ग्यारह वर्ष, जीरो आता है तो 28 वर्ष का अंतर जोड़ देते हैं। जैसे 1905 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यदि हम बाद के दो अंकों में चार का भाग दें तो यहां पे शेषफल एक आएगा। और एक का मतलब कितना जोड़ना है, छह वर्ष, अगर हम छह जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1911। तो 1905 और 1911 का कैलेंडर एक दूसरे के बिल्कुल समान होगा। यदि हम 2019 के कैलेंडर को देखें तो 19 में चार का भाग दे दीजिए, यहां पे शेषफल तीन आएगा। और तीन का मतलब क्या होता है, 11। 2019 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2030 हो जाएगा। तो 2030 का कैलेंडर जिस वर्ष में हम जी रहे हैं इस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। और 2012 लीप ईयर अगर हम चार का भाग दे दें तो यहां पे जीरो आएगा। जब जब जीरो आएगा तो 28 वर्ष जोड़ दीजिए केवल, और 28 वर्ष आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2040 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा कैसे समान वर्ष वाले वर्ष निकालते हैं बड़ी आसानी से। आइए एक सूचना आपको प्रदान कर दूं, संस्थान में रेलवे एनटीपीसी का बैच चल रहा है, जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहे इसी प्रकार मैजिक ट्रिक से पूरा बैच आपको कंप्लीट करेंगे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एंट्री एनटीपीसी लिखकर भेज सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। यहां पर मैजिक ट्रिक्स के पहले एपिसोड के साथ मैं था रवि तिवारी। थैंक यू सो मच।